नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 28 जून 2022 से आपकी किस्मत एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला यह दिन आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव, काफी बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। गुरु शुक्र एवं शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके निजी जीवन पर इस दिन पड़ने वाला है। तो आपको बता दूं, खास आपके ग्रह गोचर एवं आपकी कुंडली पर आधारित आज की इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। अतः सभी भक्तों से, सभी जातकों से अनुरोध छोटा सा रहेगा कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सर्वप्रथम सभी भक्त एक साथ मिलकर इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से दोस्तों जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त करेगा। आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि सिंह राशि वालों, किसी भी काम को करो तो मन से करो। जबरदस्ती यदि आप कोई काम करोगे या फिर बेमन से यदि आप कोई काम करोगे तो उस काम में ना आपको सफलता मिलेगी और ना वह काम करके आपको खुशी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जिस काम में आपका मन लगे, जो काम करके आपके मन को प्रसन्नता हाथ लगे, उसी काम को अपना भविष्य बना लीजिए और उसी काम को करने में मेहनत करिए और उसी काम में कुछ नया करने का प्रयास करिए। क्योंकि बेमन से किया गया काम न कभी आपको खुशी देगा न कभी आपको धन देगा। तो गुरुदेव का ज्ञान दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दे दीजिए। साथ ही बदले में यदि आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय अम्बे माँ जरूर लिख दीजिए। आइए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। काम काज की यदि हम बात करें दोस्तों, तो नौकरी पेशा जातकों को आज अपनी मेहनत का अच्छा फल पदोन्नति के रूप में मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, जो जो उम्मीदें आपके उच्च अधिकारियों ने आपसे लगाई थी, या फिर यूं कहें कि जो जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, वह सभी जिम्मेदारियों को आपने अगर बखूबी तरीके से पूरा किया है तो निश्चित रूप से आज दफ्तर में आपकी उन्नति होना तय है। हालांकि दोस्तों, इस पदोन्नति के बाद आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ सकती है, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दफ्तर में दे पाएं। साथ ही मित्रों, आपको बता दें, व्यापार से जुड़े जातकों के हाथ आज एक जादुई छड़ी लगने वाली है, जिस पर सवार होकर आज आप लंबी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जी मित्रों, ऐसे में यदि आप कारोबार करते हैं तो आपको बता दूं, कोई बहुत सुनहरा मौका आज आपके हाथ लगेगा। यदि मित्रों आप किसी नए कार्य की, किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते थे तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ दिन रहेगा। जय मित्रों, ऐसे में इस दिन आपके द्वारा शुरू किया गया नया कारोबार बहुत ऊंचाइयों पर आपको ले जा सकता है और जल्द ही आपके हाथ बड़ी सफलता लगने वाली है। पैसों के मामलों में दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद ग्रहों में बहुत उत्तम योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जय मित्रों, आज का दिन पैसों के मामलों में बहुत बेहतर साबित हो सकता है। धन कमाने का अच्छा मौका आपके हाथ लगेगा एवं आप देखेंगे कि लंबे समय से आप जो आर्थिक प्रयास करते आ रहे थे, आज के दिन उन प्रयासों में आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। जयमित्रों, घर परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों से दोस्तों अपने मन को
ज्यादा तनाव में ना डाले, ज्यादा परेशानियों में ना धकेले, अन्यथा दोस्तों तनाव के चलते आप कोई भी काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर किसी भी काम में सही से सोच विचार भी आप नहीं कर सकेंगे। घर के बड़ों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जैमत्रो कोई बात घर में बड़े आपकी नहीं मान पाएंगे या फिर आप उनकी कोई बात नहीं मान पाएंगे, जिसके चलते घर परिवार में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद इस दिन होना संभव है। ऐसे में दोस्तों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि औरों से सलाह लेने के बदले यदि आप कुछ बातें अपने घर परिवार वालों से पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे, तो आपका काम और भी अच्छे से पूरा हो सकता है। इसलिए मित्रों बाहर के लोगों से सलाह लेने के बजाय आप अंदर के यानी अपने परिवार के लोगों से ही बात करें। साथ ही मित्रों नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालने का इस दिन प्रयास करिएगा। जय मित्रों आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातकों के मन में बहुत से नकारात्मक विचार प्रवेश कर बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ काम में यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप यह सोच कर बैठ जाते हैं कि यह काम मेरे लिए बना ही नहीं है और इस काम को मैं किसी भी हालत में कर ही नहीं पाऊंगा। तो मित्रों ऐसे नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश ना करने दें। ध्यान रखें, कोशिश करें कि अच्छे विचार आपके अंदर आ सके। जो काम कोई ना कर सके उन कामों को भी करने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि मित्रों आपके अंदर एक अलग जादू शक्ति है। यदि आप उसका प्रयोग करेंगे, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, तो अवश्य ही निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन मेहनत आपको काफी करनी पड़ेगी, व्यापार हो या फिर नौकरी हो। ध्यान रखिएगा आपको अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की इस दिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि मित्रों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कभी भी कुछ भी छोटी से छोटी सफलता भी आपको आसानी से हासिल नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन भी आपको संघर्ष तो कड़ा करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने के बाद आपको कुछ खुशियों के पल प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों अपने परिवार के साथ इस दिन आप कहीं बाहर यात्रा पर जाने की भी कोई नई योजना तैयार कर सकते हैं। जहां दोस्तों बहुत लंबे समय से आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, ऐसे में दोस्तों घर में चल रहे तनाव, लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश को दूर करने के लिए यह बहुत सुनहरा उपाय है कि आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं एक ही दिन घूमने चले जाइए, ताकि सभी के मन हल्के हों, एक दूसरों के प्रति जो कड़वाहट आ चुकी है वह दूर करने का प्रयास आज आपको करना होगा। बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि आपके परिवार वालों का साथ आपको मिलेगा, हर सुख में हर दुख में आपके परिवार वाले आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इस दुनिया में और किसी पर निर्भर मत रहना। जब तो कोई भी काम करना है तो खुद के भरोसे करना, खुद की जवाबदारी पर करना, खुद ही पर निर्भर होकर करना, या फिर अपने परिवार वालों पर निर्भर होकर करिए। परंतु यदि इस दुनिया में और किसी पर निर्भर होकर कोई काम करेंगे या फिर किसी के भरोसे आप बैठे रहेंगे, तो लिख कर ले लीजिए दोस्तों, आपके काम में आपको जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इस दिन किसी के भरोसे ना बैठे, जो करना है स्वयं करें। साथ ही विद्यार्थियों को बता दें, इस दिन दोस्तों आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है, ऐसे में पढ़ाई लिखाई के मामलों में भी इस दिन बढ़िया सफलता, बढ़िया तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। वाहन संबंधित कामों में दोस्तों थोड़ी सावधानी इस दिन आपको बरतनी होगी। जैमत्रो दुर्घटना संबंधित आसार या योग बन रहे हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, हेलमेट का उपयोग करना ना भूलें। साथ ही उपाय के तौर पर इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ताकि आपके ऊपर मंडरा रहा संकट दूर हो। बाकी दोस्तों दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, नए कामों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अटका हुआ पैसा प्राप्त होगा, नौकरी में तरक्की होगी, उन्नति होगी। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आ सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर माता रानी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो जय अम्बे माँ का नारा जरूर लगा दीजिए। उसी के साथ दोस्तों बिना देर करे अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिंह राशि से जुड़ी ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस प्रतिदिन मिलती रहेगी, जिन वीडियोस को देखकर आप ऐसे ही जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, नई नई सफलताओं को प्राप्त करते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे हम आप सभी के साथ पुनः इसी चैनल पर अगली ही एक और ऐसी नई अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।